OTT प्लेटफॉर्म्स का क्रेज इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात मन में सोचते हैं तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, Z5, हॉटस्टार, डिज्नी, इन सब के नाम हमारे जहन में सबसे पहले आते हैं। पर इनको अलग से रिचार्ज कराना पड़ता है, 200-400 रुपये महीने इनको अलग से देना पड़ता है। तो अगर आप सभी ये पैसा अपना बचाना चाहते हैं और अपने मोबाइल में जब रिचार्ज कराते हैं उसके साथ ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में बताता हूँ वोडाफोन आइडिया और एयरटेल कंपनी के, जो कि आपको फ्री Z5 सब्सक्रिप्शन देते हैं। कितने के वो प्लान्स हैं, कितने महंगे हैं, क्या उनको रिचार्ज करना चाहिए या फिर नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हेलो नमस्कार, इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। अगर आपके पास जियो का सिम है दोस्तों, तो मैंने गिव अवे चालू किया है जिसमें मैं हर महीने आप सभी दर्शकों में से 3 दर्शकों को रिचार्ज करके दूंगा टोटली फ्री, वो भी 3 महीने का रिचार्ज हर महीने। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं उस वीडियो की गिव अवे वाली, तो उसको जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करके एक्टिव रहना है, सिर्फ इतना ही गिव अवे का रूल है। वापस से अपने न्यूज़ पे आऊँ तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने कुछ ऐसे प्लान्स लॉन्च किए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, जो कि आप सभी को Z5 के फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं। Z5 ने इन दोनों कंपनीज के साथ टाई अप करके अपने रेट्स को काफ़ी कम करके इनके सामने पेश किया है ताकि ऑफर किया जा सके आप सभी को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस Z5 का। अब मैं आपको प्लान्स बताता हूँ। एयरटेल का जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो 289 रुपीज़ का है। इसमें आपको 1.5 GB डेटा डेली मिलता है, ये आपको 28 दिन की सुविधा देते हैं 100 SMS डेली और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। यहाँ पर आपको एयरटेल एक्स स्ट्रीम प्रीमियम फ्री मिलता है और उसके साथ Z5 का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो 2 OTT प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं और Z5 पे जो कंटेंट है वो बहुत ही कमाल का है। एयरटेल पे उतना अच्छा नहीं है पर फिर भी आपका टाइम पास होगा। ये एयरटेल का प्लान था। वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो यहाँ कई प्लान्स हैं। 405 रुपीज का एक प्लान है जिसमें आपको 1.5 GB डेटा डेली के लिए 28 दिनों तक मिलता है, लेकिन यहाँ पर डबल डेटा बेनिफिट हो जाता है, तो आप महीने में 90 GB डेटा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 1.5 GB के अलावा आपको 1.5 GB और मिलेगा। 3 GB डेली इस्तेमाल कीजिए और VI का आपको मूवीज एंड TV का फ्री OTT प्लेटफॉर्म मिलेगा, 1 साल के लिए Z5 का भी मिलेगा। ये एक प्लान है। 595 रुपीज़ का दूसरा प्लान है, उसमें 56 दिन की वैलिडिटी है, मतलब कि 2 महीने की, और 2 GB आपको डेटा डेली मिलेगा। Z5 का यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है और वीकेंड डेटा रोल ओवर मिलेगा, मतलब जो आप हफ्ते भर में डेटा बचा लिए हैं, पूरा 2 GB इस्तेमाल नहीं किए हैं, उसमें से 500 GB 1 GB बचा है, तो आपको महीने के लास्ट में वो इकट्ठा मिल जाएगा और वो नेक्स्ट मंथ में जुड़ जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। इसके अलावा 795 रुपीज़ का प्लान है और 2595 रुपीज़ का प्लान है, जिसमें आपको 84 डेज की वैलिडिटी और 1 साल की वैलिडिटी मिलती है Z5 के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो यही दोस्तों पूरे प्लान्स थे, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे जो लोग भी एयरटेल वोडाफोन आइडिया को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम 150 रुपये ज़्यादा देकर एक सब्सक्रिप्शन पा रहे हैं किसी OTT प्लेटफॉर्म का तो ये बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको 999 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है Z5 को 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अच्छा, आप दर्शकों के मन में ये सवाल रहता है कि Z5 का अगर हमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो फिर क्या वो 1 साल तक चलेगा या सिर्फ प्लान के वैलिडिटी तक चलेगा? तो दोस्तों ये मेंशन रहेगा प्लान में कि अगर आपको Z5 का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन वहाँ लिखा मिला है तो आपका वो 1 साल तक चलेगा अगर आप एक बार रिचार्ज कराते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर प्लान में आपको नहीं मिलता है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, आपको तभी तक मिलेगा जब तक कि आप उस प्लान के वैलिडिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी। टेलीकॉम टेक के बारे में अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।